I'm feeling lucky. How about more streets? Us two in these streets. Diamonds on my feet. Caught up in these talks. Circling my head top. Should've been more cautious. Now I got what I wanted. So welcome back to the channel. This is your host and दोस्त अंकित देसाई. एक है हेल रोगा तो कैसे हेल रोगा रामी. I hope सब बढ़िया होंगे और सब मजे में होंगे और आप लोगों को व्लॉग मजा आ रहे होंगे. और यहाँ पे खड़े अपने बीस्ट इस तरफ से. ये बाइक को निकालना है. अपना वो बोल्ट जो बोला था वो BMW से आ गया है. तो थैंक यू सो मच BMW वालों ने जल्दी भेज दिया. और ब्रागा का भी टाइम हो चुका है तो रेडी है वो भी जाने के लिए. पर अभी ये बाइक को लेके जा रहे कर रहे अभी इसमें लगाया नहीं है. बाद में मैं घर आऊँगा तब दिखाऊँगा आप लोगों को. इसका ग्रिल टूटा हुआ मैंने एज अ सोविनियर मंगवाया हुआ है कि कैसे टूटा था. अभी इसके ऊपर वापस से अपने लोन राइडर का ग्रिल लगवाने जा रहे हैं और यहाँ वाला बोल्ट. तो अभी मैं इस बाइक की शॉप पे जाते हैं और आप लोगों को मिलते हैं. बाकी ये वैसे रखा हुआ है बारिश की वजह से. मैं बारिश में क्यों पूरा ढकता नहीं हूँ उसका रीज़न भी आपको बता देता हूँ. क्योंकि बारिश में चूहे घुस जाते हैं बाइक के अंदर और काट वाट ना दे, इसलिए मैं बाइक को खुली रखता हूँ. गंदी होती रहती है पर क्या करूँ, जब चलाना होता है तब साफ़ कर लेता हूँ. चूहे कुछ काट जाएंगे वायर तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इसलिए नहीं कर रहा है. बाकी अपने प्यारे इसका हाथ भी गिर गया देखो. बाकी अपने प्यारे हाथ भी गिर गया और ये 3-4 बार लगाया पर गिर जा रहा है. इधर रख दिया है अभी तो. मेरी मम्मी इधर जाती रहती है और वो उसको गिराती रहती है तो. और ये है ना इसकी वजह से. अभी आप देखो मैं कैसे निकालता हूँ बाइक को, उसके बाद आपने निकलते हैं कैसी क्रंच सिचुएशन में से निकालना पड़ता है तो वो आप देखो. और बाद में अपने महेश भाई की शॉप पे जाके मिलते हैं. ऐसा है, ऐसे अपने बाइक को निकालते हैं क्रंच सिचुएशन में. और क्या करें, बार बार इधर देखो निकल गया ना रैप, घिसता रहता है हल्का फुल्का, कभी कभार घिस जाता है. ऐसा है. 3 hours later. तो अभी निकल चुके हैं हम महेश भाई की शॉप पे जाने के लिए. महेश भाई का ऑलरेडी फोन आ गया है, वो घर जा रहे थे. मैंने बोला 2 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ. अपनी ग्रिल लग चुकी है और तुम्हारा भाई चला रहा है उनकी स्कूटी. ये देखो स्कूटी पे जा रहा है. और अभी माइक लाना भूल गया हूँ, वो मेरे साथ हमेशा रहता है, भूल जाता हूँ. क्योंकि उसको कहाँ लेके चलूँ तो वो भूल गया था. शायद विंड नॉइज़ आ रहा होगा बिकॉज जॉब पे निकले थे और सुबह लेट हो गए तो फटाफट में निकल गया था जैसे आप लोगों को पता है. बाकी अभी ये लेके जा रहे हैं और अभी अपने जस्ट पहुँचने ही आए उनकी शॉप पर. यहाँ पर से टर्न मारेंगे और पहुँच जाएंगे. तो मिलते हैं अभी आपको वहाँ जाके और अपनी लॉन राइडर की ग्रिल लग चुकी है वो दिखाएंगे. तो अभी अपने पहुँच गए महेश भाई की शॉप पर. महेश भाई देखो सेठ की तरह बैठे हुए हैं, देखो इनकी हंसी बता रही है सेठ की तरह. और अपनी बाइक हो चुकी है ये देखो, क्या प्यारी लग रही है. लॉन राइडर की ग्रिल वापस से आ चुकी है तो मज़े. तो ऐसा है, ये रबर वबर टूट गया है, इसको थोड़ा मंगवाना पड़ेगा. ये अपनों ने सेकंड में लिए, अपनी तो टूट चुकी थी जो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा. क्या प्यारी लग रही है. अभी इसको मैं चेंज करके इसको थोड़ा सा ब्लैक करवा दूंगा, ऐसा मेरा सोचना है. देखते हैं क्या करते हैं. चलो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और महेश भाई को भी जाना है और बाकी सारी बाइकें इधर पड़ी हुई है. हार्ली डेविडसन. तो अभी अपने को जाना है घर, तो अपने घर निकलते हैं बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है. अभी हम घर पे आ चुके हैं और तुम्हारा भाई ने माइक भी लगा दी और एसी भी चालू है. फिर भी देखो कोई आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि नॉइस कैंसलेशन तुम्हारा भाई ने मैं एसी के नीचे खड़ा हूँ फिर भी नहीं आ रही है. ये ट्राइपॉड अपना निकाल के रखा है कि इतने टाइम से लिया है कभी यूज़ करे. और ये रहा ग्रिल जो अपनों ने मंगाया है. तो किसी को ऐसा लग रहा हो कि वो ग्रिल जो पुरानी थी वही लगाई है तो उनके लिए ये. इसी में अपना वो बोल्ट आया था ये वाले एनवलप में. और ये रहा अपना ग्रिल जो टूट चुका था, इसको अभी फाड़ते हैं. तो ये रही वो ग्रिल जो एक्सीडेंट में टूट चुकी थी. आप ऐसे देखो इसको कैसे मोड़ गई है.
पूरा अंदर से ग्लास वास सब टूट गया था, इसमें एक और ग्लास आता है ये वाला, ये देखो पूरा कैसे मुड़ गया था। तो ये सब एक्सीडेंट में हुआ था। और ये देखो ग्लास भी आता है, वो भी टूट गया था। इसके अंदर की हेडलाइट भी टूट गई थी, तो आप सोचो कितना खतरनाक इंपैक्ट होगा। वो तो तुम्हारे भाई का नसीब अच्छा है, बच गया। बाकी ये देखो बैरिगेट के निशान अभी भी है, येलो कलर दिख रहा है, बैरिगेट येलो कलर का था तो इधर भी लगा था इसलिए। ये देखो यहाँ से भी टूट गया है ये पूरा। तो इसको अपनों सोविनियर की तरह यूज करने के लिए मंगाया, यही अपना इंटेंशन था। तो इसको मैंने मंगा के रखा है कि अपने सोविनियर की तरह इसको यूज करेंगे, कि अपने को पता रहे कि ये एक्सीडेंट के टाइम ये हुआ था, याद कराता रहा। इसके पहले भी अपना एक एक्सीडेंट हो चुका है जो निंजा 1000 पे था, उसका भी सोविनियर रखा हुआ है, ये हेलमेट जो घिसा हुआ। तो ये दो चीज़ें अपनों ने रखी हुई है एज अ सोविनियर। और ये हेलमेट है अपना दो टाइम लद्दाख रिटर्न रिटायर्ड, इसको कभी कभी मैं सिटी राइड के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये सब हेलमेट निकाल के पैडिंग वैडिंग गीला होता रहता है और पसीना बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए नहीं निकलता। ये देखो पसीना कितना हो रहा है, देख रहे हो ऐसी हालत। द नेक्स्ट मॉर्निंग Motherfucker, I've been mortified, 45, fitting like a motorcar. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my... Hey guys, welcome back. तुम्हारा भाई जा रहा है अभी जॉब के ऊपर और नया GoPro का टेस्टिंग करना है, लगा रहा है नया GoPro, this is GoPro 12, अपना पुराने केस और पुराने एडाप्टर में लग चुका है और अपने ये वाले अपने रूरोक के हेलमेट के ऊपर लगाएंगे इसको। ZX 10 लेके जा रहे हैं अपने शॉप के ऊपर आज बहुत दिनों बाद, क्योंकि कैमरा टेस्ट करना है। ठीक है चलो डायरेक्टली आप लोगों को मिलते हैं अपने बाइक के ऊपर और देखते हैं कि GoPro 12 कैसा है। उसके अंदर एक और वाइड एंगल भी है, सुपर व्यू आता था उससे भी ज़्यादा वाइड आ रहा है, चेक करेंगे कितना वाइड आ रहा है। ठीक है तो ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्डिंग है ऑन GoPro हीरो 12 और ये फ्यूल का सिंबल भी आ गया और तुम्हारे भाई ने कोल्ड स्टार्ट कर दिया। तो अभी अपने निकल रहे हैं जॉब पे जाने के लिए, आज संडे है, राइड गए नहीं है तो सोचा कि थोड़ा जॉब पे लेके चलते हैं। बाकी कैसा व्यू आ रहा है क्या पता यार, बराबर दिख नहीं रहा। मिरर खोलने रह गए, मिरर के बिना अपने को नहीं चलता। तो इसको खोल देते, ये अपना शायद पहला व्लॉग होगा ZX 10R के ऊपर। वैसे बाकी इसकी आवाज़ देखो नहीं सुनो आवाज़ सुनो, क्या प्यारी आवाज़ है। और अपने को इसकी आवाज़ पसंद है, शॉर्ट कैन में बहुत ज़्यादा लाउड आती है, ये जो लॉन्ग कैन है उसकी वजह से बैक प्रेशर भी अच्छा बनता है और अपने को पावर भी अच्छी खासी मिलती है। तो इसकी वजह से अपनों ने शॉर्ट कैन नहीं लिया है और लॉन्ग कैन ही लिया है और इसमें पावर ही डलवाता हूँ। देखा मज़ा देखा, अभी तो रोड मोड पे स्पोर्ट्स किया नहीं है पर अभी मैं यूज्ड टू हो गया हूँ। मैं स्पोर्ट्स करता हूँ तो भी मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा जाती नहीं है। बाकी अपना रेस्टोरेंट का ही 4-5 किलोमीटर ही दूर है, तो तुम्हारे भाई ने ग्लव्स व्लव्स कुछ नहीं पहना है, खाली हेलमेट पहना हुआ है और ऑफिस के अटायर में फॉर्मल्स, तो ऐसा है सीन। चलाने का मजा ही कुछ और है। और ये सुपर व्यू में आता होगा जो बड़ा वाला व्यू है, और 5K में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा हो। बाकी बहुत टाइम बाद सिटी के अंदर राइड कर रहे हैं तो मजा ही कुछ और है। और इसके अंदर टैंक स्लेपर भी लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक है, पर यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ZX 10R के अंदर, ऐसा अभी तक मेरे को महसूस हुआ है। मैंने तो महसूस कर लिया है क्योंकि ये वॉबल बहुत मार देती है हाई स्पीड के ऊपर और उसमें कुछ दिक्कत है, इसकी वजह से ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा है। पर कोई नहीं, संभाल के चलाते हैं अपने, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं करते, एक दो बार किया था तो पता चल गया, बच गया खड्डे के अंदर जाती, तो अलॉय व्हील बैंड होने का चांस रहे। अपने वैसे भी लेट हो चुके हैं, 11:30 पहुँचना होता है, 10 मिनट्स वी आर लेट और इसके अंदर फ्यूल भरवाना है, जाने के टाइम भरवाएंगे। होप ये बारिश ना हो जाए, नहीं तो पूरा पीछे से काला काला हो जाना है, क्योंकि इसके अंदर टेल टाइड लगी हुई है तो सारा कीचड़ अपने पर उड़ेगा। बहुत टाइम से इसको रात को ही लेके निकल रहे थे, आज ही पहली बार सुबह को लेके निकले,
ऐसे गांडू लोग तुमको मिलते ही रहते रास्ते के अंदर, जो आओ ना ताओ देखते हैं और मुड़ जाते हैं। इनकी वजह से ही एक्सपीरियंस होता है, एक्सीडेंट होता है, एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है इनकी वजह से, एक्सपीरियंस हो जाता है एक्सीडेंट का। तो ये सीन है। चलो अभी जाने के टाइम वापस मिलते हैं, क्योंकि अभी अपना जॉब आने वाला है जहाँ पे अपने काम करते हैं। मिलते हैं आप लोगों को जाने के टाइम। चलो भैया अपना काम हो चुका है, अभी तक पेट्रोल भरवा नहीं है तो अभी भरवाने जाएंगे, और अपने निकल चुके हैं घर जाने के लिए। आई होप ये वाला एंगल थोड़ा अच्छा आ रहा होगा, अपना पेट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है इसके लिए एंगल पता नहीं सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा हम नीचे झुक नहीं पाते ना, वैसे तो झुक जाते हैं टंकी के ऊपर, बट थोड़ा स्ट्रेस आता है, यू नो, समझ गए ना, ऐसा ऐसे। ओ भैया ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गया, अरे भैया ग्रीन हो गया। तो ये नया गेंडा लगा दिया अपने सिटी में, बाकी पहले पुराना गेंडा था, ये वाला अच्छा लग रहा है पीछे, पिछले वाले से ये वाला ज़्यादा अच्छा है। जो ये बाइक के ऊपर पब्लिक रिएक्शन मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है, बाकी मज़ा आता है। पर ये ट्रैफिक के अंदर जो हाथ के ऊपर वजन आता नहीं, ये देखो वो ख़तरनाक चीज़ है। तो ट्रैफिक में मज़ा नहीं आता है ज़्यादा, पर हाईवे के ऊपर ये चलाने का मज़ा ही कुछ और है। देखा ऐसा है भैया, ऐसा है। अभी अपने पेट्रोल भरवाने जाएंगे इसमें, क्योंकि भरना है पावर। एक कैमरा एंगल चलो इसमें भी सेट करके देख लेते हैं, ये थोड़ा सेट किया था, अभी इसको हल्का सा ऐसे करके देखते हैं कैसा लग रहा है। भाई एक नंबर में जाता है ये चलाने का, बचपन जाग जाता है अपना बचपन। ये देखो बच्चे, बचपन जाग जाता है इसकी पावर देख के, भूल जाता हूँ। और ये डाउन शिफ्ट का तो मजा ही कुछ और है। बंद कर देते इसको बिकॉज गर्मी ज़्यादा है और पेट्रोल कम, तो पेट्रोल ज़्यादा चलना है और ख़त्म ना हो जाए, धक्का ना मारना पड़े, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। तो यहाँ से डायरेक्ट अपने जाएंगे पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल भरवाएंगे, उसके बाद जाएंगे घर। हजार नु करो तो तुम्हारे भाई ने पेट्रोल भरवा दिया है, इसमें पावर इसलिए डालता हूँ क्योंकि परफॉर्मेंस मिला है, और ये अपने को सिटी में ही घुमानी है तो पावर इजीली मिल जाएगा, जबकि जीएसएम में मैं पावर नहीं डालता हूँ बिकॉज अपने ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे भी कैसा भी पेट्रोल मिले, कुछ अच्छा पेट्रोल मिला ना मिला ऐसा सीन होता है, इसलिए। होप आप लोगों को ये GoPro 12 की फुटेज अच्छी लगी होगी, तो ऐसे ही सपोर्ट तुम्हारे भाई को करते रहिए, मिलते रहेंगे ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। राइड आउट राइड से पुश योर लिमिट टिल द टाइम यू आर एबल टू मेरे, बाय बाय।